अगर आप कस्टमर का आधार कार्ड के जरिए से अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, वो मोर्फो डिवाइस हो या मंत्रा डिवाइस हो, होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपका डिवाइस का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा कि मोर्फो डिवाइस का आरडी सर्विस को दोबारा से रिन्यूअल कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना होगा, उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा मोर्फो आरडी सर्विस, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ये आरडी सर्विस ऑनलाइन .com ये ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये रीन्यू आरडी सर्विस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे दोबारा करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ बाय आरडी सर्विस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपका डिवाइस कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पीछे देखिए SN नंबर लिखा हुआ रहेगा, ये आपका सीरियल नंबर है, इसी को आप नीचे डालना फिल करना होगा। तो पहले यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ अपना सीरियल नंबर फिल करेंगे, यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे, आपका कौन सा डिवाइस है, मेरा ये वाला मॉडल है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एड टू कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कार्ड में सेव किया हुआ है तो यहाँ इस कार्ड में यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए मेरा जैसे कि ये डिवाइस है, यहाँ मेरा सेव किया हुआ है, तो मुझे और सेव नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसको टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, कितना अमाउंट कटेगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा, आपका डिवाइस का सीरियल नंबर देखिए ये वाला आ जाएगा और मॉडल नंबर ये वाला आपका डिवाइस का आ जाएगा जो बैक साइड में लिखा हुआ रहता है। देखिए जैसे कि मुझे चार्ज यहाँ 375 का लग रहा है, लेकिन GST टैक्स कुछ लगा के यहाँ 67.50 रुपया कट रहा है, तो टोटल मिला के 442.50 रुपये मेरा कटेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ कंप्लीट ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पेमेंट पेज में लाकर के छोड़ेगा, आप नीचे आएंगे, देखिए आप अगर यहाँ किसी से भी पेमेंट कटा सकते हैं। चलिए हम UPI से कटाएंगे, तो यहाँ UPI के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, UPI किसी से भी कर सकते हैं। चलिए हम फ़ोनपे चूज़ करेंगे और यहाँ अपना फ़ोनपे का UPI ID डालेंगे और यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने यहाँ फ़ोनपे का UPI ID फिल कर दी है, मेरा यहाँ पे भी नाम आ गया है लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ वेरीफाइड भी लिखा हुआ आ गया। हम यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका फ़ोनपे ऐप में एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें आपका पेमेंट लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना बैंक चूज़ करेंगे और यहाँ अपना UPI ID फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए आपका जैसे यहाँ पेमेंट कम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ भी मुझे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ करना कुछ नहीं है या ब्राउज़र को रिफ्रेश भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ वेट करना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा यहाँ पे भी ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए जैसे कि हम मेरा यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो यहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट कर दिया, बस मुझे खाली यहाँ वेट करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ सक्सेस का मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। योर ऑर्डर वेन प्रोसीड चल रहा है और इफ़ यू आर नॉट ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना मुझे बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया मेरा पूरा स्टेटस आ गया, थैंक यू MD, आपका यहाँ पे ID रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। चलिए हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि मुझे अपना कोई प्रूफ भी रखना है, तो हम इसको ले लेंगे और यहाँ से हम इसको JPG या PNG किसी में भी सेव करके रख लेंगे। चलिए हम इसको JPG में ही सेव कर लेते हैं और यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये सेव हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे फिर अपना जो भी आप काम करते हैं इस मोर्फो से आप काम अपना कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।